हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने किचन रेसिपीज में। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, जिसे बनाना बिल्कुल आसान होगा और बहुत ही कम टाइम में बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ पर हमने दो एप्पल लिए हैं और इन्हें हमने अच्छे से छील लेना है, क्योंकि जो हम रेसिपी बनाएंगे वो एप्पल से ही बनेगी और इसलिए हमने इन्हें छील करके ही बनाना है, क्योंकि जो छिलका होता है एप्पल का वो थोड़ा टाइट होगा। तो इसलिए इन्हें अच्छे से पहले छील लें दोनों एप्पल को। और अगर आप चाहें तो एक एप्पल भी काफ़ी होगा रेसिपी बनाने के लिए, उसमें भी आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब इन्हें छिल जाने के बाद जो छिलके हैं इनको साइड में करना है और एप्पल को लेके सेंटर में से कट करते हुए हाफ में डिवाइड कर देना है। और जो बीज वाला पोर्शन होता है इसको हम निकाल देंगे और इस तरीके से अब हम थोड़ा लंबाई में कट करते हुए इनको क्यूब शेप में छोटा छोटा कट कर लेना है। आप चाहें तो जो इनका साइज है अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लें। तो बस अब हम इसी सेम प्रोसेस के साथ इन्हें अच्छे से कट कर लेंगे छोटा छोटा करके। और अभी हमने जो एप्पल से आधा जो एप्पल था इसे बचा के रख लिया है, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे, इसे हमने यूज़ नहीं करना अभी, इसको हमने बचाया हुआ है। तो अभी हम इन्हें साइड में करेंगे और यहाँ पर हम गैस को ऑन कर लेते हैं। ये आ जाता है एक हमारा नॉन स्टिक पैन, जिसमें हम मेल्टेड घी 2 छोटे चम्मच ऐड करेंगे। आप चाहें तो बटर का या फिर ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से पैन में इस तरीके से फैलाते हुए थोड़ा सा गर्म कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और इसमें डालेंगे हम बारीक चॉप किए हुए थोड़े से बादाम। और अगर आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद का कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको पसंद हो। तो बस अब हमने इनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अब जैसे ही हमारे जो बादाम है थोड़े से रोस्ट हो जाते हैं तो ये आ जाते हैं हमारे क्यूब शेप में कट किए हुए एप्पल। इस टाइम पर हमने इसमें एप्पल ऐड कर देने हैं और अभी भी हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना होगा। तो अब हम इन्हें चलाते हुए हल्का सा कुक कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 1-2 मिनट ही काफ़ी होंगे। और जैसे ही इन्हें 1 से 2 मिनट हो जाएगी कुक होते हुए तो जो हमारे एप्पल हैं वो इस तरह के हो जाएंगे। अब इस टाइम पर हमने इसमें ऐड कर देनी है चीनी। तो यहाँ हमने इसमें 3 छोटे चम्मच चीनी डाली है, लेकिन आप चाहें तो इसकी जगह गुड़ या शक्कर का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बस अब हम इनको अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखिए इसे लगातार चलाते भी रहना है, जिससे कि यह जो हमारे एप्पल हैं वो नीचे चिपकेंगे नहीं। तो बस आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चीनी थी वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इन्हें तब तक कुक करना है जब तक कि जो चीनी है वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाती, और तब तक हमारे जो एप्पल है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इस टाइम पर हमने इसमें ऐड कर देना है 1/4 चम्मच सिनेमन पाउडर, यानी दालचीनी का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो यहाँ हम इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है वो एप्पल में आ जाए। तो यहाँ अब हमने इसको 2 मिनट तक के लिए अच्छे से कुक कर लेना है, जब तक कि जो हमारे एप्पल हैं वो भी पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और चीनी भी ड्राई हो जाएगी। लेकिन लगातार हम इसको चलाते भी रहेंगे क्योंकि ये नीचे लगने लगती है। तो यहाँ इसको अच्छे से चलाते हुए अब आप देख सकते हैं जो हमारे एप्पल थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं पूरी तरह से, और जो इसमें चीनी थी वो भी ड्राई हो गई है। और बस अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, इसको हम रखते हैं साइड में और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये हमने एक कढ़ाई ली है, आप इसकी जगह कोई भी खुला सा बर्तन ले लें। इसमें हम डालेंगे दूध, दूध जो है वो हमने 0.5 लीटर लिया है। यहाँ पर फुल फैट दूध है, आप बिना फैट वाले दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से बॉयल करना है, हम हाई फ्लेम पर इसे बॉईल कर लेंगे, हाई फ्लेम पर ये जल्दी बॉईल हो जाएगा। इतने हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने एक छोटी सी कटोरी ली, इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर देंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर ठंडा था। अब हमने इसे अच्छे से मिला देना है, लम्स फ्री कर लेंगे, इसमें गर्म दूध का यूज़ नहीं करना। और इधर आप देख सकते हैं जो दूध था इसमें बॉईल आ चुका है, तो हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड जो कि अभी हमने दूध में घोल करके रखा था। यहाँ हम इसे डालने के बाद साथ के साथ इसे चला देना है, क्योंकि जो कस्टर्ड डालने के बाद जो दूध है बहुत जल्दी चिपकने लगता है, इसलिए इसे साथ में चला दें। और गैस की फ्लेम को यहाँ कर लेंगे मीडियम, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। अब हमने इसमें ऐड करनी है चीनी, तो यहाँ हम जो चीनी है वो 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे, जो कि छोटा चम्मच है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अच्छे से चलाते हुए हम इसे कुक कर लेंगे। और जब कस्टर्ड डालने के बाद इसमें हल्का सा बॉयल आ जाएगा, तो हमने इस टाइम पर इसमें डाल देना है एप्पल, हमने इसको ग्रेट करके डालना है इस तरीके से। और अगर आपको ये हमारी इजी सी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, जिससे कि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट, बढ़िया और टेस्टी बन करके तैयार होगी। और आप इसको बच्चों के लिए भी बना करके दे सकते हैं, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी और उनकी हेल्थ के लिए इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं।
तो बस एप्पल को ग्रेट करने के बाद अब हमने इसे लगातार चलाते हुए कुक कर लेना है। हम इसको लगातार इसलिए चलाएंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी लगने लगता है कढ़ाई में, तो इसे लगातार इसलिए चलाते रहें। इसकी कंसिस्टेंसी अभी देख सकते हैं, ये काफ़ी पतला है। जब तक कि ये पूरी तरह से थिक नहीं हो जाता तो हम इसे इसी तरह से चला चला करके अच्छे से कुक करते रहेंगे। यहाँ भी अभी हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा हुआ, अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर लेते हैं जिससे कि ये जल्दी थिक हो जाएगा। तो हम इसे अच्छे से चला लेंगे इस तरह से, और ये देखिए जैसे ही इसको कुक होते हुए 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तो इसमें थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी। और वापस से हमने फ्लेम को मीडियम कर लेना है। तो बस आप यहाँ पर देखें इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छे से थिक हो गई है, एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है। तो हमने इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी रखनी थी, एकदम परफेक्ट है। तो अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको अब हम रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। इधर हमने ये लिए हैं बिस्किट जो कि गार्निशिंग के लिए हैं, तो अब हमने यहाँ पर लिए थे 1 पैकेट बिस्किट। आप कोई भी बिस्किट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनको हाथ की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके क्रश करते जाएंगे। तो बस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो सभी गार्निशिंग के लिए बिस्किट थे वो अच्छे से रेडी हो चुके हैं, और इनको अभी हम साइड में करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक बॉल और बस हम कर लेते हैं कस्टर्ड को गार्निश। यहाँ हमने थोड़ा सा कस्टर्ड जो है वो एक बॉल में ट्रांसफर कर लेना है। तो इस तरीके से कस्टर्ड डालने के बाद हम इसमें ऊपर से लगाएंगे ये क्रश किए हुए बिस्किटों की एक लेयर। तो यहाँ हमने क्रश किए हुए बिस्किट ले लिए हैं जिनकी हमने कस्टर्ड के ऊपर अच्छे से लेयर बना लेनी है। जब बिस्किट की बढ़िया से लेयर बन जाएगी तो ये आ जाते हैं हमारे सीन वन वाले एप्पल जिनको हमने पहले ही रेडी करके रख लिया था, और इनको हमने बिस्किट के ऊपर इस तरीके से अच्छे से लगा देना है। इनकी भी हमें एक लेयर बना लेंगे और इसके बाद हमने इसमें फिर से कस्टर्ड डाल लेना है। तो यहाँ अब हम कस्टर्ड जो है इसको पूरा बाउल में ऊपर तक डाल लेंगे, और इसके बाद ये आ जाते हैं क्रश किए हुए बिस्किट जिनको हम अब कस्टर्ड की साइड में डालेंगे। इस तरह से इन्हें डाल देने के बाद एप्पल रख लेते हैं बीच में, और ये देखिए हमारी झट से बनने वाली रेसिपी बनके रेडी है जो कि बहुत ही हेल्दी टेस्टी और यम्मी सी लगेगी खाने में। इसे आप इजीली बना करके तैयार कर सकते हैं वो भी बहुत ही कम टाइम में, और बच्चों के लिए बड़ों के लिए सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो बस ये हमारी इजी सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करना और हमें कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी। तो बस इतनी इजी सी रेसिपी के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।